क्या भैया ब्लॉक एक ग्राउंड हटाना पड़ेगा तो लग रहा है आपकी सब चीज़ की तैयारी हो चुकी है, उचका उचका सभी कुछ लग चुका है और हम लोग क्लास के अंदर जाते हैं और दिखाते हैं अगर आपको सभी स्टूडेंट्स आगे से ले जाओ ना हीरो तो आप पूरा तैयारी हो चुका है तो अभी एक और कारपेट बिछने वाला है जिसमें जितेंद्र जी कहां पर लोग बिछाते हैं देखते हैं और आदित्य भाई भी अभी आ चुके हैं जितेंद्र भैया सभी को तैयार होकर आ चुके हैं जैसा आप देख सकते हो तो अभी बाहर में कारपेट बिछाया जा रहा है और अंदर प्लानिंग था और हमारे देख सकते हैं सभी को तैयार हैं आकाश भाई जो मैच अभी पानी में रद्द हो गया तो पूरा टेंशन में आ गया देखे तो कहा जा रहा है कि कल मैच होगा यदि आज नहीं हुआ तो देखते क्या होता है और अभी देखिए कारपेट को डबल किया जा रहा है क्योंकि कारपेट बहुत बड़ा है और सभी दीदी लोग और भैया लोग सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिसके कारण आज यहाँ पर हम लोग का सफल हुआ है हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये सब हम लोग का लाइफ में मेमोरेबल रहेगा क्योंकि अभी पोडियम पर आगे सिक और सीट क्रॉस सीट हो गया और देखिए अभी विकास भाई और रविंद्र भाई अपना प्लान के हिसाब से यहाँ पर लगा रहे हैं कारपेट को भैया जी सलमान भाई और ये बिल्कुल सेट हो गया है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा और ये रहा हमारा अंदर का नज़ारा जो काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा है और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है और जैसे देख सकते हो हमारे जो शिक्षक लोग हैं और पोडियम को आगे किया जा रहा है तो हमारे और जो फेवरेट सर आ चुके हैं जीके जीएस के सर और रीजनिंग के सर जो काफ़ी बेस्ट है हमारे यहाँ टीचर और देखिए आकाश से कुछ बातें कर रहे हैं सर और सर का लुक देखिए काफ़ी हैंडसम वाला लुक है दोनों सर का जीके वाले सर का भी यहाँ पर रोस्ट किया जा रहा है आकाश भाई को सर लो और टिंकू भैया जी जो रोस्ट कर बहुत शायद अब स्टार्ट हो चुका है तो लेट्स गो अभी कुछ लफड़ा हो गया जो थोड़ा घुसा गया आकाश भाई तो क्या 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 काहे घुसा गया आदित्य भाई आदित्य भी तो जा सकता है और अब हम लोग बैग वो यहाँ पर पैक कर लेते हैं और वहाँ जो पोडियम के पीछे हम लोग सामान सबको रखेंगे और रिहर्सल का सामान और विकास भाई बल्ब भी बंद कर दिए और ये सब हमारा बैग रहा तो वो सब हमको अभी ले जाना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर और काफ़ी मेमोरेबल डे है और काफ़ी इन्जॉयबल डे है हमारे लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है और सभी रिहर्सल की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है तो हम लोग अब चलते हैं अभी स्टार्ट होने वाला प्रोग्राम तो आप
तो मेरे फेस में आप देख सकते हो कि कितना पसीना है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ये गर्मी है, गर्मी क्या है, ह्यूमिडिटी आज बहुत ज़्यादा है। तो जाके हम लोग मंगा के वहाँ पर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा और पाकुर को ले इस तरह के सोच रखने वाले वीसीआर के वीसी साहब, मैं अपने टीचर मेंबर से अनुरोध करूंगा कि उनको पुष्प गुच्छ देकर हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करें। दो शब्द पहले बच्चों का मार्गदर्शन के लिए अपने दो शब्द रखे जिनमें अपने कार्यक्रम को आगे ये
अकेडमी से नेक्स्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सबको शुरू कीजिए। एक साल तो कोचिंग रहेगा लेकिन ये बीच में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है अप्लाई कीजिए, लिखिए, सिलेक्ट नहीं हुए तो भी एक्सपीरियंस आपको एग्जाम देंगे। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एमडी ऑफ दिस एरिस तो यू आर फ्रॉम एरिस कंपनी नाउ यू आर द टीचर तो कहता है कि आई लव यू ऑन द डे ऑफ द ईव ऑफ टीचर्स डे सो आई एम लाइक अ टीचर पूरा वीडियो कर रहे हैं पूरा देंगे पोस्ट करेंगे सर लोगों को भी चले गया सिर्फ इनका सोच नहीं होना चाहिए। आज आपकी दीवार इकानमी के 100 बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब सीजन निकालेगा सर। आप लोगों का रिजल्ट, आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का परिश्रम इस पाटू शहर के आने वाले भविष्य निर्धारित करेगा। सब सब आपको मालूम होगा कि झारखंड के सबसे गरीब और पिछड़े जिला यानी डिस्ट्रिक्ट में पाटू का नाम आता है। तो यहाँ के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दूर से दूर जहाँ पर रांची, पटना, धनबाद जैसे जगहों पे हर परिवार छोटे से जाना पड़ता है जिसके कारण उनको आर्थिक बोझ जाना है वो जाना है। संस्थान का नाम होने वाला है ना कोई परिवर्तन होने वाला। अगर आप चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, पाकुड़ की स्थिति में सुधार चाहते हैं तो आप कड़ी मेहनत करके आपको कंपटीशन निकालना होगा, आपको एग्जाम निकालना सर। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है, मेहनत आप लोगों को करना है। विद्यार्थी जीवन में हम लोगों को सबसे बड़ा चीज जो सिखाया जाता है वो अनुशासन है। आप अनुशासित हैं, आपको अंजाम तक पहुंचाना है और कंपटीशन निकालने के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो क्वालिटी भी आप में मौजूद है। आपको बहुत तरह के कंसेप्ट से गुजरना पड़ेगा, आपको बहुत तरह के परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, बहुत तरह के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ये एग्जाम आपके घर परिवार से हो सकता है, समाज से हो सकता है, देश से हो सकता है। जब तक आप मेहनत नहीं देंगे आपके घर वाले आपको आपके बातों का भरोसा नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसे बार बार क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा जाएगा, आप पर दबाव डाला जाएगा, आप पीछे लिखना हो क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको कान और आंख से बाहरी दुनिया से बंद होना पड़ेगा। आपके हर बातों को बंद करना होगा, सुनना बंद करना होगा। आप लोगों को मालूम होगा, इसको इस तरह समझिएगा कि एक जंगल में यह अफवाह फैली थी कि जंगल के बीच में एक पहाड़ है और पहाड़ में बहुत सारा अद्भुत संपत्ति धन है।
लेकिन आज तक कोई वो नहीं देखा था कि उसमें है यादें। जंगल के राजा एक बार सोचे कि क्यों नहीं इस चीज को देखा जाए एक कंपटीशन के माध्यम। किसका? मैंने बोला सभी को उसे उस पूरे प्रॉपर्टी पूरे संपत्ति का मालिक माना जाएगा और विगत अगले 3 साल तक वह जंगल का राज करेगा, जंगल का राजा माना जाएगा। ये खबर पूरी जंगलों में एक एक जानवरों तक पहुंचाया गया, चाहे वो हाथी हो, जिराफ हो, छोटा सा छोटा पंछी हो, सबके पास पहुंचाया गया। सभी ने इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सोचा। निर्धारित समय में कंपटीशन शुरू हुआ और रेस की बात शुरू हो गई। रेस आपकी लाइफ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आग लगा दिया बात। क्या कमी रह गई देखो और सुधार। कुछ किए बिना भी किसी की जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी आग लगा दिया। बच्चों हम धनबाद से एक उम्मीद लेकर आए हैं पाकिस्तान की सर जमीन में कि यहाँ से इस पोस्ट पे इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिए है। विगत 2 महीने में ही आप में परिवर्तन हुआ है। अभी हम पूरे 1 साल तक आपके साथ हैं और भविष्य में भी मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपकी स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इतने सुंदर अरेंजमेंट किया है और आज हमारे एक शिक्षाविद और उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक एक चिंतक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है और उनके बातों को हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था कि अगर एक डॉक्टर भ्रष्ट हो जाए, गलत हो जाए, तो कुछ साउ के साथ उसकी खाई खत्म हो जाती है। अगर एक इंजीनियर इट इज के कटिंग टाइम अबे नहीं भाई साइंटिस्ट है आरबीएस हमारे सारे शिक्षकगण क्या हुआ।
तीनों को
तुम्हारी बेटा पैसा था यार तुम लोगों ने जानकर मार डाले वाले तुम्हारी नहीं आते बात सेक्शन ए सर यस सर थैंक यू सर So it is would you take a time? आर्टिस्ट निकली यू आर सिंगिंग वेरी वेल बट खुद के गा थोड़ा डर रहा है घर में तो अच्छा गाते हैं लेकिन स्टेज पे गाना थोड़ा बाकी ले जाएगा अबे रुक जा भाई ये श्याम 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 और देखिए हमारे सर क्या कर रहे हैं अभी
सर जी कुछ कर सर, जल्दी की जल्दी। देखिए देखिए बलून का नुकसान कैसे कर रहा है, बलून का नुकसान वो टेक द रेस्ट थ्री। और देखिए देखिए इनका सातिर दिमाग, देखिए इनका सातिर दिमाग, ये दिया हुआ है क्या हो। तो मैं ट्राई करता हूँ। हेलो सूरज भाई, हमारे मुस्कुराते हुए काफी अच्छा स्पीच दिया भैया ने, और हमारे सर कुछ स्पीच सर एक गाना सर गाना एक गाना सर अपने जगह पर अपने स्थान पर थोड़ा सा। और आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों ने जो पुण्य कार्य किए हैं उसका एक बात जरूर मेरे बातों को याद रखना कि बहुत सारा ऐसा वक्त आएगा तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें तुम्हें अपने मर्जी से दूर हटा सकता है। खास तरह से वह हंसता है कि हंसा तो फंसा बड़ा प्रॉब्लम है। हंसने का हंसती है तो हंसने का मना जाने का है। Yeah.
कहते हैं कि हवाएं हमें क्या रोक सकती है जब हम तूफानों से लड़ के आए हैं, हवाएं हमें क्या रोक सकती है जब हम तूफानों से लड़ के आए हैं, हम अपने मंजिल के लिए अपने घर को छोड़ के आए हैं। अपने अंदर की आग को बुझने देना, पागल जरूर बनना, पढ़ाई में पागल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और पागल जरूर बनना और अपने लाइफ अपने जो एम है उसको प्राप्त करना ये तुम्हारे लिए है। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे निकल जाए। अगर तुम अपने समय पर अगर कुछ नहीं कर पाते तो उसको सबसे बड़ा दुख होगा, ऐसे आपको कुछ बोलेगा नहीं और उसको अंदर ही अंदर बहुत दुख होगा कि मेरे बच्चे ने कुछ किया नहीं। इसलिए अपने अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के सपनों के लिए जियो, अपने माँ बाप के अरमान के लिए जियो, वो तुम्हारे लिए जो किया है उसके अरमानों को पूरा करो। यही आज तुम लोगों के लिए स्वागत है कि हम लोग ओलपुस में जिसके कारण हम सोच रहे हैं ऑनलाइन हम भी बोल देते हैं, ऐसे तुम लोग हमको मौका देते हैं फिर हम माइक पकड़ लेते हैं मौका है सर। अगर ऐसे तुम प्रॉब्लम हो खाना कुछ भी खा रहे हैं ना, कल सुबह विद्यालय भी ओपन है। तो अभी हम लोग मोमोज खा रहे हैं और काफी टेस्टी मोमोज लग रहा है, तो टेस्ट करके देखते हैं। और ये पास्ता चाउमीन सभी चीज़ का व्यवस्था तो ले लेते हैं हम लोग अभी। और यहाँ पर तो अभी डिलीशियस जल्दी कर। अब बस एक नजर में होगा ट्रैवल का नया डेस्टिनेशन। देखिए भैया क्या बोलना चाहता है गीगा चांद सब गीगा चांद घर से बोल रहा है गीगा चांद